हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट रनिया और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत प्यारा सा प्लांट और आप देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ये है दोस्तों पिंक टर्टल वाइन, बिल्कुल सेम टर्टल वाइन के जैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा सा ही इसमें अंतर होता है। इनकी जो लीफ होती हैं वो नीचे से हल्की सी पर्पल कलर की होती हैं, इसीलिए इसको पिंक टर्टल वाइन भी बोला जाता है। दोस्तों इसको लगाना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर ये प्लांट आपको कहीं दिखाई देता है तो छोटी सी अगर आपको कटिंग मिल जाती है तो लेकर के अपने गार्डन में लगा दीजिए। समर का बेस्ट हैंगिंग बास्केट ये प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा हार्डी भी होता है। हमारी बिल्कुल भी केयर ये प्लांट नहीं मांगता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं इनकी कटिंग्स तो लगा करके दिखाऊंगी ही और साथ ही साथ इसकी केयर भी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों ये जो आप छोटा सा ग्लास देख पा रहे हैं, इसमें से निकालने का थोड़ा रीज़न ये भी है कि इसमें मेरे जो कोसमोस के शीट थे जो मैंने पिछले साल लगाए थे इसमें प्लांट, उसके शीड गिर गए थे और अब देखिए इनमें से वो शीड ग्रो हो गए हैं अपने आप ही और प्लांट्स निकलना शुरू हो चुके हैं। और आप जानते हैं जो कोसमोस होता है वो पूरे दिन भर की धूप पसंद करता है, लेकिन हमारी जो पिंक टर्टल वाइन होती है वो हल्के से शेडी एरिया पसंद करता है। इसको मैं एकदम तेज़ धूप में रखूँगी तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से मैं निकालते हुए कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी और इनकी केयर भी। दोस्तों आइए जानते हैं इन प्लांट्स के बारे में और वेलकम है आपका चैनल में। जो आप अभी तक भी मेरे साथ बने हुए हैं तो दोस्तों आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो शेयर भी करें। तो ये देखिए दोस्तों, बात करें अगर पिंक टर्टल वाइन की केयर की तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। ना तो ये आपसे ज़्यादा पानी मांगता है, ना आपसे खाद मांगता है और ना ही आपसे अच्छी सॉइल मांगता है। दोस्तों ये आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा, सिर्फ आप इसे किसी भी सोइल में अगर लगा देते हैं तो भी ये आपसे के गार्डन में आराम से सरवाइव करेगा। देखिए दोस्तों, जो हमारी पिंक टर्टल वाइन होती है वैसे तो आप इसे किसी भी तरीके की सोइल में लगा दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसके लिए अच्छे से अच्छी सोइल बनाना चाहते हैं तो आप इसको एक हिस्सा अपनी गार्डन सोइल ले लीजिए, एक हिस्सा आप थोड़ी सी सैंड मिला लीजिए और अपने वर्मी कंपोस्ट काउडन जो भी कोई आप कुछ मिलाना चाहते हैं वो आप लेकर के अपने प्लांट को लगा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने तो इसके लिए सिंपल सोइल ली है और इसमें सिर्फ एक मुट्ठी मैंने काउडन डाला है, सैंड भी नहीं मिलाया। फिर भी आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है वो बहुत तेज़ फास्ट ग्रो करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इन्हें किस तरीके की सनलाइट पसंद होती है। तो दोस्तों ये ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ ब्राइट लाइट ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर इस प्लांट को मॉर्निंग की एक डेढ़ घंटे की सनलाइट मिल जाती है तो ये बहुत आराम से ग्रोथ करता रहेगा। बहुत तेज़ जो दोपहर की धूप होती है उससे आप इस प्लांट को थोड़ा बचा करके रखिए, बाकी तो ब्राइट लाइट या विंडो के आसपास में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। अगर बात करें दोस्तों इनकी खाद की, तो खाद में आप कुछ भी दे दीजिए, हालांकि जो हमारे चाय पत्ती का पानी होता है वो आप ऐड कर सकते हैं, काउडन का लिक्विड दे सकते हैं, या हम जो भी कोई अपने किचन से निकालते हैं वेस्ट सब्जी का जो पानी होता है या चावल हम वॉश करते हैं आप वो पानी दे दीजिए। खाद के लिए दोस्तों इनकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरीके के हल्के फुल्के फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, फिर मैंने अब भी आपको बताया था कि मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है, और इसमें पहले दोस्तों मैंने अपने सैकुलेंट की लीफ लगाई हुई थी जो कि अब उन पर बेबी प्लांट्स आ गए हैं, तो वो मैंने थोड़ा दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए थोड़ी सी झलक आप इन लीफ की भी देख सकते हैं, हर एक नोड पे आपको इनके बेबी प्लांट्स नज़र आएंगे। लीफ मैंने किस तरीके से इनको प्रोपोगेशन किया है इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, चाहे तो आप विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों लीफ कितनी बार आप लगाते हैं वो आपकी सूख जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन आ जाते हैं दोस्तों अपने ही टॉपिक पर, बात करें दोस्तों अगर कि पिंक टर्टल वाइन को हमें किस तरीके का पॉट देना चाहिए, तो दोस्तों छोटे से छोटे कंटेनर में भी आप उसे लगा सकते हैं। जितना छोटा पॉट लेंगे वो तब भी ग्रो हो जाएगा, या बड़े प्लांट के नीचे भी अगर लगाना चाहते हैं तो वो तब भी बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। दोस्तों वो किसी भी कंडीशन में ख़राब नहीं होता है, आप बड़े पॉट में लगा दीजिए चाहे छोटे पॉट, वो हर एक पॉट को कवर कर लेता है। किसी भी तरीके के पॉट में अपने पिंक टर्टल वाइन को लगा सकते हैं। मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ,
कि पिंक टर्टल वाइन में कभी भी मिलीबग्स का अटैक या माइट्स का अटैक या डिसीज़ किसी भी डिसीज़ का अटैक नहीं होता है। और अगर फिर भी आपके गार्डन से किसी प्लांट पर पिंक टर्टल वाइन पे हो चुका है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, वो आराम से ही आपके गार्डन से चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों पिंक टर्टल वाइन बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है, खासकर ये बास्केट के लिए तो बेस्ट प्लांट है। अगर आप भी चाहते हैं अपने गार्डन में कि हैंगिंग बास्केट लगाना, तो आप पिंक टर्टल वाइन को इस समर ज़रूर ऐड करें। और दोस्तों अगर आपकी पुरानी टर्टल वाइन है, मतलब 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हो चुका है आपके पिंक टर्टल वाइन को, तो इस समय आप अपने प्लांट को खाद दे दीजिए। 22 तारीख से पहले, मतलब 22 मार्च से पहले जितने भी आपकी टर्टल हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट्स हैं, आप उन्हें खाद दे दीजिए, चाहे आप काउडन ही दे दीजिए। दोस्तों वो इतनी फास्ट ग्रोथ करेंगे। और अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो सिंपली आप उन्हें किसी भी तरीके के सोइल में लगा सकते हैं। इनकी छोटी छोटी कटिंग दोस्तों बहुत ईजिली लग जाती है। अब आप लोगों के सामने देखिए, मैं इसकी कट करूँगी, मतलब इनकी कटिंग को काटूँगी और नीचे की सिर्फ एक या दो लीफ निकाल करके अपने जो कटिंग्स हैं उन्हें लगा दूँगी। अब आप देखिए कितनी छोटी छोटी मैं कटिंग ले रही हूँ, और देखिए दोस्तों ये बहुत आराम से ग्रो हो जाती है। पिंक टर्टल वाइन की कोई भी कटिंग ख़राब नहीं होती है, चाहे आप इसकी बड़ी कटिंग लगा लीजिए चाहे छोटी कटिंग लगा लीजिए। दोस्तों अगर आप एक पॉट में एक इसकी कटिंग भी लगाएंगे तो वो पूरे पॉट को कवर कर लेगी। मैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा कटिंग लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपको छोटी सी भी मिल जाती है तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इनकी एक भी कटिंग ख़राब नहीं होती है। अगर जब आप कटिंग लगाएं, या तो आप उन्हें स्प्रे से भी वाटरिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले सोइल को गीला कर लीजिए और फिर आप अपनी कटिंग लगा सकते हैं। और देखिए दोस्तों इनकी रूट्स वैसे तो ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितनी अच्छी खासी ये रूट्स बनाते हैं। तो आप इन्हें इस समर अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है, और हैंगिंग बास्केट के लिए तो दोस्तों ये बहुत प्यारा प्लांट है। और जिस वक्त ये अपनी ग्रोथ पर आता है ना, तो देख करके मज़ा आता है, हमारा गार्डन पूरा खिल जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं, अभी अभी आपने गार्डनिंग शुरू करी है, तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट प्लांट है। इसमें आप पैसा बिल्कुल डाल सकते हैं, आपका एक रुपया भी ख़राब नहीं जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें हमें पैसे डालने चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल डाल लीजिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। अगर आप ये प्लांट लेकर के आते हैं तो जब तक आप गार्डनिंग करेंगे तो ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। एक लीफ से भी, मतलब एक छोटी सी कटिंग से ही आपको लाखों हजारों सैकड़ों प्लांट बना करके दे देगा। दोस्तों हमें पैसा हमेशा उस प्लांट में ही डालना चाहिए, खासकर बिगिनर्स लोगों को, जो आप आराम से उन्हें सर्वाइव करा सकें, वो आपके गार्डन में हमेशा टिके रहें, तो ये बेस्ट प्लांट है। मेरा तो यही कहना है, अगर आप प्लांट ख़रीदना चाहते हैं तो इसे भी आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें, और नर्सरी जाएं तो ये प्लांट आप ज़रूर लेकर के आएं। आप इनकी लीफ देख करके आइडिया लगा सकते हैं। सेम इसकी भी जैसे टर्टल वाइन होती है दोस्तों, वो भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, उसे भी आप अपने गार्डन में ऐड। टर्टल वाइन दोस्तों एक ऐसा प्लांट है जो बिल्कुल भी हमारी केयर नहीं मांगता है। सिंपली अगर इसे तोड़ करके सोइल में भी ना लगाएं, यूं ही फेंक देंगे पॉट में, तो भी ये ग्रो हो जाएगा। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।